भगवंत मान का बहुत बहुत धन्यवाद। साड़ा बिल हूँ जीरो आता, पहले 1500-1500 रुपया बिल आता सी, सानू तारना पैंदा सी, हुण सानू बिल नहीं तारना पैंदा। मैं कविता भगवंत मान जी सरकार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करनी हाँ, जिन्होंने साढ़े 600 यूनिट बिजली माफ़ की है। यही बिजली के बिल माफ़ होने करके साड़ी पैसों की बचत हुई है, जेडे कि असी घरेलू मसलों के असी यूज़ करते पे हाँ। तो मैं तो फिर भी यही कहनी है कि उही सरकार आवे साड़ी, यही उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद कर। मेरा नाम अक्षय पट्टी, मैं अमृतसर का रहने वाला वा। मैं मान सरकार जदों की आई है मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता वा, बहुत वधिया सरकार आ। जदों का मतलब कि बिजली बिल साडा जदों आ रहा वा, जदों की इन्हां दी सरकार आ, जिहड़े भी पैसे साडे चलो बचदे आ होर कम्मां च साडे कम आ जांदे आ जी पैसे। असीं इक गरंटी दे रहे सी कि बिजली फ्री कर देंगे, विरोधी पार्टी वाले कहिंदे ऐ किवें कर देंगे, पैसे तो है नहीं। असीं उन्हां नूं दस्या नहीं हैगा भी पैसे कित्थों आणगे, उन्हां दीआं जांचां कराईआं, करोड़ां रुपयां दे घपले सामने आए, वो पैसे निकले आए, तो 90% घरां नूं पंजाब दे विच बिजली बिल जीरो आउंदा भाजी, फोन करके पता कर लिओ। बीते 9 अगस्त से दिल्ली से पंजाब तक छिड़े एक विवाद ने अब नया मोड़ ले लिया है। जी हां, आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीजेपी के सीनियर लीडर और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की चिट्ठी का जवाब दे दिया है। भगवंत मान ने नितिन गडकरी को पत्र लिखते हुए इस बात पर विशेष जोर दिया कि पंजाब की जमीनें पंजाब के किसानों की अनमोल संपत्ति हैं। अगर सरकार को किसी भी प्रकार से उनकी जमीनों का उपयोग करना है तो किसानों को उनकी जमीनों का उचित दाम मिले। गौरतलब है कि बीते 9 अगस्त को नितिन गडकरी ने नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स को लेकर पंजाब में अमन कानून की स्थिति में सुधार को लेकर और भूमि अधिग्रहण को लेकर आ रही दिक्कतों पर भगवंत मान को एक खत लिखा था। नितिन गडकरी ने अपनी इस चिट्ठी में तमाम तरह के सवाल उठाए थे। फिलहाल मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, भगवंत मान का नितिन गडकरी को जवाब, सरकार ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को किसानों के साथ बातचीत करके जमीन का कब्जा दे दिया है, लेकिन NHAI की ओर से इस पर अपना काम शुरू करने में इतनी देरी कर दी गई है कि किसानों ने अगले साल के लिए फिर से उस पर अपनी फसल उगा ली है। एक बार जब राज्य के अधिकारियों ने भूमि का कब्जा NHAI को दे दिया है तो कब्जा बनाए रखना NHAI या उसके ठेकेदारों की जिम्मेदारी है। भूमि अधिग्रहण को लेकर कुछ दिक्कतें हैं। राज्य के किसान अपनी भूमि से गहराई से जुड़े हुए हैं क्योंकि ये उनकी बेशकीमती संपत्ति है और उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत है। उनको उचित कीमत ना मिलने के कारण कहीं कहीं अधिग्रहण की समस्या आ रही है, लेकिन हमारी ओर से NHAI को पूरा सहयोग दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आगे अपने जवाब में कहा कि मेरे निर्देशों पर ही मुख्य सचिव हर सप्ताह NHAI के अधिकारियों के साथ भूमि अधिग्रहण को लेकर आने वाली बाधाओं को हल करने के लिए उपायुक्तों के साथ बैठक कर रहे हैं। इतना ही नहीं, नितिन गडकरी की ओर से दो केसों का हवाला देते हुए अमन कानून की स्थिति को लेकर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि दोनों मामलों में स्थानीय पुलिस ने तुरंत कानून FIR दर्ज की है। इसके अलावा इन दोनों मामलों में गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जांच में ये पाया गया कि एक घटना NHAI ठेकेदारों द्वारा भूमि की अत्यधिक खुदाई का परिणाम थी, दूसरी घटना ठेकेदार द्वारा अपने उप ठेकेदार को उसकी बकाया राशि का भुगतान न करने का परिणाम थी। दोनों मामलों में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नितिन गडकरी को भेज दी है। भगवंत मान का कहना है कि जहां भी काम चल रहे हैं वहां पर पुलिस को संबंधित क्षेत्र में गश्ती दल तैनात कर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। नहीं नहीं, नहीं तो ऐसे नमें आए नहीं, अजे तक गुवाहाटी तो सारा समान भी नहीं आया हमारा, ठीक है ना, तो आके मिल लें वो कौन कौन सेक्टरी में कौन, कल चिट्ठी लिखनी है कोई, कल कोई कोई ऑर्डर देना है उस बाद ही खड़े चल तो ठीक है ना। देखो इन्हें देखो नैशनल हाईवे अथॉरिटी कहती है, साडा जमींदार रौला जी दो तीन जगह पे भी, मतलब साडा रेट नहीं बन रहा सेंटर नाल, किसानों का भाव नहीं बन रहा, इस लॉ एंड ऑर्डर कितों आ गया जी? हर गल तो कह देंगे लॉ एंड ऑर्डर, जमीन असी देनी है, असी 55 मंगते हैं वो 50 देंगे ने, तो 50 तो 55 सौदा खड़ा, तो लॉ एंड ऑर्डर कितों आ गया? पंजाब में हर वक्त वो लॉ एंड ऑर्डर की गल क्यों लिख देंगे? 2.5 साल तो हो गए, 16 मार्च तो बाद 2.5-3 साल ही हो गए, पंजाब के एक मिनट भी किसी शहर या कस्बे कर्फ्यू नहीं लग्या, तो हरियाणे मूँह 4 महीने कर्फ्यू लगे रहे हैं, तुम सामू लॉ एंड ऑर्डर दस दो
की होंगे यूपी च अपना लॉ एंड ऑर्डर संभाल लो। नंबर दो, पंजाब दी जमीनों तुम उड़ीसा जां किसी होर नाल कम्मे कंपेयर कर दोगे, साडी उपजाऊ जमीन है, साडी एक्विजिशन का रेट होर है, उड़ीसा का होर है, छत्तीसगढ़ हो। तुम कहना जी हमें बिहार में हमें 5 लाख में एकड़ मिल रहा है, आप 50 मांग रहे हो, भाई साडी जमीन का फर्क है यार, ये तो देखना पड़ेगा। हाँ तुम जम्मू कश्मीर जाओगे अगर कठुए तो अगे फिर सस्तियां मिलनगे तो पहाड़ है उत्ते बंजर जमीन ने है नहीं कुछ। सो असी आपकी जमीन का भी मुल लवेंगे ना प्रॉपर। सो ये कोई लॉ एंड ऑर्डर का नहीं, मैं कल यही लिखा है, जे लॉ एंड ऑर्डर होंगी तो कोई पुलिस ना जाती उत्ते, रौला तो ठेकेदारों का पैसे देने है। सो असी 2-4 दिन हल कर देंगे, कोई ऐसी गल नहीं। हालांकि जब नितिन गडकरी ने भगवंत मान को अपनी चिट्ठी लिखी थी तो उसके कुछ ही वक्त के बाद पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने नितिन गडकरी की चिट्ठी के जरिए राज्य बीजेपी सरकारों पर जमकर हमला बोला था। बलबीर सिंह ने बीते शनिवार को दावा किया था कि पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति डबल इंजन सरकार वाले सभी राज्यों से बेहतर है। बलबीर सिंह ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से मुख्यमंत्री भगवंत मान को लिखे पत्र के बारे में पूछे जाने पर कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों की जांच करें, पंजाब की कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और डबल इंजन सरकार के अन्य सभी राज्यों से बेहतर है। पूरा विवाद क्या है ये भी जान लीजिए। पंजाब में नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ओर से 8 प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कटरा जम्मू दिल्ली हाईवे है। सभी परियोजनाओं जो 1150 किलोमीटर की हैं के लिए भूमि अधिग्रहण की जरूरत है, जिनमें से 846 किलोमीटर का कब्जा लेकर उस पर काम चल रहा है। हालांकि गुरदासपुर, अमृतसर और लुधियाना जिलों में कहीं कहीं भूमि अधिग्रहण को लेकर दिक्कतें आ रही हैं। किसान अधिक मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वहीं जालंधर और लुधियाना में काम कर रहे ठेकेदारों के बीच आपसी झगड़े भी हुए, जिसको लेकर पिछले दिनों केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री को अमन कानून की बिगड़ती स्थिति और भूमि अधिग्रहण को लेकर आ रही दिक्कतों पर एक चेतावनी भरा पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि अगर हालत यही रही तो केंद्र सरकार इन प्रोजेक्ट्स को रद्द कर देगी। फिलहाल अब मुख्यमंत्री भगवंत मान के जवाब के बाद इस मुद्दे पर क्या असर होता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।